ऐसा किया है मीडिया को और बीजेपी के नेताओं, क्या ये सही है? सर बीजेपी बिहार के डिप्टी सीएम को आप घर जाते रहिए सुबह से शाम, आप क्या वो क्या हम तो कहेंगे कि मर्द के तरह उसको लड़ लेना चाहिए, मरता क्या नहीं करता, हम होते ना तो अभी तक सारे बीजेपी के नेता को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं। और मीडिया को कम से कम किसी भी नेता को टारगेट नहीं करना चाहिए। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा भैया मैं एक बात बता दूं, मीडिया टोटल मीडिया तो आप अब अंजना कश्यप लाट साहब है क्या है? अलाउद्दीन के चिराग है क्या? पहली बार वो ट्वीट किया लाठी पर जंगल राज हो गया क्या है? अंजना कश्यप रूबिका उलिका 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 फुलिका डेली गाली डेली ट्वीट डेली गाली का ऐसा करते हैं? क्यों आप दिख रहे हैं कास्टिज्म आप दिखा रहे हैं? क्यों आप टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं कि आप किसी जात और समाज को टारगेट कर रहे हैं? लाठी चला इसमें जंगल राज क्या हो गया? इसके पहले लाठी नहीं चली दुनिया में, इसे आपका कैरेक्टर नहीं दिख रहा। लेकिन इससे पहले तिरंगा का अपमान भी नहीं हुआ कौन जी का? तिरंगा तो कभी लगा नहीं। कौन तिरंगा? तिरंगा हमसे है कि तिरंगा से हम है? तिरंगा मेरे खून से है। अरे कोई तिरंगा को नहीं मारा किसी ने, तिरंगा क्या भाई आदमी से भर के तिरंगा है, ह्यूमैनिटी से भर के इंडिया है, पहले ह्यूमन तब इंडिया इंडियन, पहले इंसानियत जिसके पास न हो आदमी को मारे वो तिरंगा की बात करता हो, ये सब गप छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम सर आप लोग जाति आप लोग मैं बहुत क्लियर आज आपको कह देता हूं और इसको आज समझिए, सोशल मीडिया से लेके जितने प्रिंट मीडिया में आप लोग हैं और जो कंप्लीट रूप से ऊपर बैठे लोग हैं ब्यूरोक्रेट में जो कि समाज के कमजोर पिछड़े तबके के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने एजेंडा बना लिया है नीतीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी के बहाने हमला करने की और नीतीश कुमार को कमजोर करने की। बीजेपी के एजेंडे पर प्रेस के सीनियर लोग और कुछ तथाकथित जातिवादी प्रेस के लोग आज हमला करते हैं सिर्फ जाति के आधार पर। तेजस्वी यदि आज यादव नहीं होता, दूसरा कास्ट होता तो इतना हमला नहीं होता, बहुत क्लियर मैं आज आपको बता रहा हूं। और इसको स्वीकार किया है, डकैती किया है, आप उसको जेल में बंद कर दीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? कानून करने दीजिए, 4 साल से कहां थे आप, 6 साल से कहां थे आप? हमको सबसे दिक्कत यह है कि हमको लगता है कि यादव दलित मुसलमान अत्यंत पिछड़ा होना गुनाह हो गया इस कंट्री। आज मैं इस बात को कह रहा हूं सर, यह सही नहीं है। बायफर्केशन का अब कर देंगे इस कंट्री में इस सब चीजों से, और बायफर्केशन करने में सबसे बड़ी भूमिका चैनल की होगी। यह सही नहीं है, नहीं गलत है, आप गलत कहिए ना, मैं भी कह रहा हूं जो चोरी किया करिए। कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं को धमकी दी है तो क्या धमकी देना इस तरह से उचित है या नहीं? डिप्टी सीएम भैया मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी किसको धमकी नहीं देता, गिरिराज किसको धमकी नहीं दिया, किसको बख्शा है? केंद्रीय मिनिस्टर वो बने किसके कृपा से? धमकी की कृपा से तो बने हैं। तेजस्वी यादव को एज ए डिप्टी सीएम जरूरत नहीं है किसी को बोलने की, मैं बहुत क्लियर कहता हूं, वो साइलेंट होके काम कर सकते हैं और उनको साइलेंट होके काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रेस के तथा कथित सो कॉल्ड ऑफ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग जो दिखाएंगे कुछ होंगे कुछ, उनको यादव या मुसलमान दलित या पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार पसंद क्यों नहीं, नीतीश कुमार को विधानसभा में आपने वोट क्यों नहीं दिया, कारण क्या था? बीजेपी को दिया, बीजेपी नीतीश को क्यों नहीं दिया?
और नीतीश के खिलाफ तेजस्वी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं दिया? बिहार को बकस। पप्पू जी, खबर यह है कि यादव समाज से एक पढ़ा लिखा नेता बिहार को मिलने वाला है सार्थक के रूप में। इसके रूप में सार्थक यादव है? कौन है हमको पता नहीं, हम लोग तो कौन जात है पता नहीं, हद हो गया भाई। खबर है क्या, इसकी पुष्टि आप करते हैं? अब वो दादा से मिलने आएगा, उसको भी खबर आप बनाइए। उसको राइट नहीं अपना घर आने का पहले नहीं आया क्या? वो घर आए तो इसमें मिलने का, मैडम छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं तो उनको लगा कि पापा अकेले हैं, हम पापा के साथ खड़े रहे, तो आगे दादा से और पापा से मिलने, तो क्या दिक्कत है? आने वाले भविष्य में साथ खड़े हो भैया, मेरे साथ खड़े हैं और हम इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे को जाति धर्म मजहब का कोई पता नहीं। मेरी बेटी हमसे पूछी कि पापा व्हाट इज द कास्ट, इस देश के बाहर कास्ट कुछ नहीं है पापा, इंडिया में कास्ट क्यों है? मेरी बेटी पूछ, नेशनल खेलती है बास्केटबॉल, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसको आज तक पता नहीं है कि जाति क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं। और उनको बस इतना पता है कि वो एक क्रिकेटर है, वो एक अच्छा इंसान है, और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बेटी अच्छा इंसान है, और हमने अच्छा इंसान बनाया, मेरी मैडम ने मेरे बेटा बेटी को अच्छा इंसान बनाया, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी टाइप का जात ना बने, और भगवान करे पत्रकार टाइप का जात ना बने। अच्छा पॉलिटिशियन बन सर, पत्रकार जितना जातिवादी है ना, उतना धरती पर कोई जातिवादी नहीं हो सकता। भविष्य में एक अच्छा सर, कोई जातिवादी नहीं हो सकता, पॉलिटिशियन बन सकते हैं भविष्य में एक अच्छा सर। वो उसको समाज तय करेगा, बिहार तय करेगा, वो खुद आके लाठी खाएगा, गर्मी में बिताएगा, वो जानेगा कि भविष्य तय कर देगा पप्पू यादव। पप्पू बिहार तय किसी का भविष्य तय करता है, और गरीब तय करता है कि पप्पू यादव तय कर देगा? भैया हमारी औकात है अपने मियां मिट्ठू बन जाए बिहार की, वो आकर के जाए गरीब के बीच, वो गरीब से प्यार करे, गरीब के लिए जिए। सरकार से किसको सस्पेंड करिए, और जो वादा किए हैं उस वादे पर खड़े रहिए। दूसरा मेरा है कि आप जितने लोग मंत्रिमंडल में बेईमान हैं, आपके पास विभाग है, आप उसकी इंक्वायरी सबसे पहले कीजिए, और 15 से 20 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके इन लोगों को जेल में ठूंसिए। तीसरा आग्रह करेंगे बीजेपी से कि दलित आदिवासी को टारगेट करना बंद करिए, और डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई से जबरदस्ती आप त्रस्त मत करिए, और गवर्नर से और पैसे के बदौलत, यह सही नहीं है। और बिहार इस मामले में अव्वल है, और बिहार आपको यह स्वीकार नहीं करे। कानून को अपना काम करने दीजिए, जो गलत किया है चाहे एबीसीडी जज कोई हो, वो कानून और संविधान जाने, आपकी सीबीआई ईडी कानून ना बने। तोता जो है उस तोता को अपने तरीके से इस्तेमाल मत करिए। और नीतीश जी भ्रष्टाचार, ये जो लगातार कांग्रेस मुक्त, अब हमको लगता है कांग्रेस मुक्त का नहीं, कांग्रेस युक्त हो गया, कांग्रेस युक्त। गुलाम नबी आजाद तो मनीष तिवारी, जिसको सब कुछ दिया राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने कोई जिसकी कोई जमीन नहीं, मनीष तिवारी गुलाम नबी आजाद, ना जगह ना पौधा ना कभी चुनाव लड़ने वाला, वो गाली राहुल गांधी को दे रहे, और सब कुछ बीजेपी के प्रिंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट गुलाम नबी आजाद का बीजेपी ने लिखा, क्योंकि रैली है 4 तारीख को, 7 अक्टूबर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसीलिए इनका हमला वहां है। इसलिए देश के डेमोक्रेसी को एक तोड़ना चाह रही है, कमजोर करना चाहता है, और गलत संदेश की ओर जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां इसको चुनौती दिया है, और यहीं से इसके सीबीआई ईडी सीबी का जवाब मिलना चाहिए, और इंटायर बीजेपी की संपत्ति, नेताओं का, मंत्री का, एमपी की जांच होनी चाहिए। आप जो इतनी सरकार गिरा दिए, कर्नाटक गिराए, मध्य प्रदेश गिराए, गोवा गिराए, महाराष्ट्र गिराए, और आज लगातार
बीजेपी दलित और आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी सरकार है, कैरेक्टर है। चन्नी को इन्होंने अपमानित किया, ये मुसलमान विरोधी नहीं, ये सबसे ज्यादा दलित आदिवासी विरोधी। निगाहें कहीं, निशाना कहीं, ये मैं आपको बता दूं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, क्योंकि इसको पता है कि 27% जो दलित आदिवासी है ये अंबेडकरवादी है, ये रामवादी नहीं हो सकता, भगवानवादी नहीं हो सकता, ये बुद्धवादी है। तो जो अंबेडकरवादी और बुद्धवादी है वो बीजेपी का नहीं होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा हमला उस पे है। मुसलमान तो नॉन है और ओपन है वोट लेने के लिए इनके एजेंडे में। तो आप एक तरफ चन्नी को कर जाइए, दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन को, आप दो आदिवासी नेता, एक स्टालिन एक हेमंत सोरेन, अपने कर्म के बदौलत। हेमंत सोरेन लड़ लेगा, आदिवासी बिरसा मुंडा का वो संस्कार भी है और उसके खून भी है, इससे डरने वाला हेमंत सोरेन नहीं है। लेकिन अब बीजेपी से पूछते हैं कि आपने एक भी दलित आदिवासी को सीएम नहीं बनाया, अब मात्र एक ओबीसी है वो भी शिवराज चौहान, उसको भी आप बांस कर रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर क्या है? सब हमाम में नंगे सब चोर हैं, तो अब सत्ता पक्ष का भी तो करिएगा, शिंदे के जितने मंत्री है उस पर करिए,